Friends, I'm going to talk on something very different from what has been spoken about. हमने संविधान की बातें की, हमने nationalism की बातें की. But I want to talk about the idea of purity. आज हमारी जो government है, वो हमेशा purity की बात करती है. हम ये बिल्कुल हिंदुस्तानी है. ये हिंदुस्तानी नहीं है. ये mixed है. तो ये purity है क्या? किसको हम प्योर कहते हैं? अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में जाए तो डीएनए की प्योरिटी लीड्स टू वीकनेस. इन डॉग्स द प्योर ब्रीड्स आर द वंस हु डाई द फर्स्ट. द पारसीज आर डाइंग बिकॉज सालों से, सदियों से उन्हें कहा गया है कि बिन पारसी से शादी मत करो. What used to be one of the biggest empires in Iran is now reduced to less than 60,000 people because, not in India, the world over. 60,000 people, क्योंकि वो purity की पूछ पकड़ के रखे हैं. मैं जब लोगों से कहती हूँ कि भाई ठेठ इंडियन का मतलब क्या है, तो बोलते देखिए हमारा खाना बिल्कुल इंडियन है. आप सोचिए, हमारी थाली को आप अपने मन के पर्दे पे रखिए. शुरू करते हैं चाय से. चाय तो ठेठ इंडियन है, लेकिन 400 साल पहले हिंदुस्तान में चाय थी ही नहीं. हम कहते हैं मिर्च, बगैर मिर्च का हिंदुस्तानी खाना कैसे हो सकता है? साहब, मिर्च तो हैज कम फ्रॉम मेक्सिको. बिफोर मिर्च, व्हीट केम फ्रॉम मेक्सिको. All that we had as tikha food was pepper, and that was so expensive, it was only available to the rich. आज हमारी नथनी एक सुहाग का चिन्ह बनी है. हम कहते हैं कि हमारी नथ रक्षा करो. जैसे कि आदमी लोगों को तो नथ रक्षा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. तो ये नथ आई कहां से? साहब, आप कहते हैं मुगल बेवकूफ है, गंदे हैं, हिंदुस्तानी नहीं है, हमें रुइन कर दिया. बट द नथ हैज फर्स्ट बीन सीन ऑन द कैट ऑफ क्लियोपेट्रा. इजिप्शियन रानी की बिल्ली के ऊपर सबसे पहला नथ मौजूद है, और ये बिल्ली का स्कल्पचर ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी है. अगर आप हमारे पुराने स्कल्पचर देखो, इफ यू लुक एट चिदंबरम, इफ यू लुक एट गंगई चोलपुरम, इफ यू लुक एट कोनारक, इफ यू लुक एट खजुराहो, इफ यू लुक एट अजंता एंड एलोरा, द एंटायर बॉडी इज डेकोरेटेड, बट देर इज नो नोज रिंग. द नोज रिंग केम विद द पर्शियंस, और आज हमने वो प्योरिटी का सिंबल बना के रखा है. साहब, साड़ी, साड़ी तो ठेठ इंडियन है. हिंदुस्तान में जो ये फ्लोइंग एस्पेक्ट है वो कभी था ही नहीं. यहां नीचे एक मुंडू या लुंगी बांधी जाती थी. पहले तो औरतें ऊपर कुछ पहनती नहीं थी. जब उनको फोर्स किया गया तब ऊपर वो एक दूसरा कपड़ा बांधती थी, लेकिन कुछ फ्लो नहीं होता था. व्हेन अलेक्जेंडर द ग्रेट केम, His commander's wife was called Helen. And Helen is historically the first woman who came with a robe with a flowing bit over her shoulder. And that is how the sari as we know it today was born. Hate Indian, pure Indian. तो साहब, हम कौन सी प्योरिटी की बात करते हैं? And why should we be proud of purity? Purity is nonsense. It is the hybrid that is exciting. It is the mongrel that is exciting. I stand before you, I am quarter Tamil, quarter Malayali, quarter of a quarter Kathiyawadi, half Gujarati, and so on and so forth. In my family, we have everything from Orthodox Greek Christians to Jews to certainly Muslims and Parsis and such Buddhists and such things. And we are proud of it because it doesn't matter. We speak every language. ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് മലയാളം പഠിക്കും. My first nursery rhyme was ite ite basre mora balgare charaso. I climbed the Marathi as well.
But that is the joy that I can wear an odhni which looks Indian to you but which is from the island of Flores in the Indonesian peninsula, taken there by Kathiawadi and Surti weavers 1,000 years ago and worn by an Indian brought back from Indonesia. This is my joy. I want to ask all of you sitting here, do you feel the need for the purity? Is our sense of self so low that we need to feel pure? If I like dal, do I have to hate a pizza? Do I have to prove that one is better than the other? What is this constant bigger, better? The minute I want a statue that is bigger than the Statue of Liberty, it shows my own lack of self-worth. मुझे क्यों प्रूव करना है कि मैं आपसे बेहतर हूं? मैं अपने से बेहतर बनने की कोशिश करती हूं. मेरी लड़ाई ना मेरी रेस किसी और के साथ है. अगर हम इसे इंटरनलाइज करेंगे तो हम समझेंगे कि किसी और को टू लेट अदर पीपल ब्लॉसम इन देयर ओन बिलीफ्स इज रियली व्हाट दिस वर्ल्ड इज अबाउट.